सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आज डीडीए जेएसए का एग्जाम हो गया, और मैंने बोला था कि सीपीटी का जो एग्जाम होगा पेपर बहुत इजी आएगा, हार्ड नहीं आएगा आपका, वो सीपीटी आराम से निकल जाएगा, आप टाइपिंग मेहनत करो। और वैसा हुआ भी, क्योंकि टाइपिंग में क्या होता है ना, कभी वहां का कीबोर्ड अच्छा हुआ ना हुआ, और वो सीन हुआ है आज कि बहुत जगह का कीबोर्ड में इश्यू हुआ है। इसलिए मैंने टेलीग्राम पे लिंक उनका मेल आईडी दे दिया है, ठीक है? तो आप उनको जरूर से मेल कीजिए अपने एग्जामिनेशन सेंटर के साथ, के नाम के साथ, कि सर इस एग्जामिनेशन सेंटर पे ये इश्यू हुआ है, कीबोर्ड का इश्यू, या मैंने एक्सचेंज के लिए बोला एक्सचेंज नहीं हुआ, तो उनको दबा के मेल करो, ठीक है? तो बाकी जो भी चीज है सब हो गया। और एक चीज और, अब इसके बाद होगा डीडीए पटवारी का एग्जाम स्टेज सेकंड का, शॉर्ट नोटिस पे एग्जाम होगा, ये बात याद रखना। और आज मैं मेंस का स्टेज टू का पैटर्न लेके आया हूं कि स्टेज टू का क्या पैटर्न होगा एग्जाम का, ये एकदम प्रूफ के साथ है। बेसिकली मैंने ट्वीट किया था, उसका रिप्लाई आया है आज की आज, ट्वीट मैंने कई दिन पहले किया। और मैं पहले बताया कि एग्जाम जस्ट डीडी जैसे कि एग्जाम के बाद ही आपका मेंस होएगा, इसलिए उन्होंने जस्ट उन्होंने एक 1 आवर पहले उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, और मैं जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक ठीक है? अब देखो एग्जाम पैटर्न, और अभी बता दूं कि एग्जाम जहां तक मुझे लग रहा है कि मिड ऑफ जैन होने का बहुत चांसेस है, मतलब थर्ड वीक में। क्योंकि देखो अभी क्या है ना कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है, तो ऑब्वियस सी बात है दिल्ली में भी सेंटर होगा, है ना? और वो सेंटर मैक्सिमम सेंटर पैक होंगे, लेकिन वो फर्स्ट फेज का एग्जाम 13 जनवरी तक है, तो हो सकता है कि सेकंड फेज में वो कुछ 20 का स्लॉट स्लॉट दे, क्योंकि डीडीए का एग्जाम तो सिर्फ दिल्ली में, एनटीपीसी का एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में, तो ऑल ओवर इंडिया का तो उनको इशू नहीं होगा, लेकिन दिल्ली के एग्जामिनेशन सेंटर में उनको इशू होगा। इसलिए तो फिर अब भाई, या तो एनटीपीसी या तो सेंटर तो एक ही वैसा ही रहेगा ना भाई, या तो एनटीपीसी कराएगा या तो वो कराएगा। तो इस हॉच पॉच से बचने के लिए वो मैक्सिमम चांसेस है कि वो थर्ड वीक या सेकंड सेकंड वीक, इतना थर्ड वीक में एग्जाम आपका ये कराया जा सकता है, या लास्ट वीक के आसपास। लेकिन जैन में फुल चांसेस हैं आपके एग्जाम कराने की, यह बात आप श्योर मानिए, मतलब 99% है। हो सकता है फैब में हो, आई एम नॉट श्योर कि फैब में, बट मेरे हिसाब से 99% है कि जैन में वो कभी भी आपका एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है? तो अब अपने आप को स्टेज सेकंड के लिए तैयार करना शुरू कर दो। पैटर्न मैं एग्जाम का आपको लेके आ गया हूं, सब कुछ बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है? याद करो, देखो पहला जनरल अवेयरनेस, 33 क्वेश्चन आएंगे, 33 मार्क्स के, 33 क्वेश्चन 33 मार्क्स, रीजनिंग 33 क्वेश्चन 33 मार्क्स, सिर्फ मैथ्स में, सिर्फ मैथ्स में 35 क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ मैथ्स में 35 क्वेश्चन आएंगे पूरे यूट्यूब पे, सबसे पहले मैं ही बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, किसी ने नहीं बताया अभी तक एग्जैक्ट पैटर्न। मैथ्स के 35 क्वेश्चंस, हिंदी के 33 क्वेश्चंस 33 मार्क्स, इंग्लिश 33 मार्क्स, कंप्यूटर 33 मार्क्स, ठीक है? तो ये 6 सेक्शन में इक्वली डिवाइड हो गया, सब में 33 33 मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चंस, सिर्फ मैथ्स में 35 मार्क्स के, सिर्फ मैथ्स में 35 मार्क्स के। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, 2 दिन से मैं काफी उसमें चल रहा हूँ, ठीक है? बट फिर भी मैं लेके आया, ठीक है? आप लोग के लिए एक चीज आपको बता दूं, है ना? अब देखो तो जैसे 5 सेक्शन हो गए, 5 सेक्शन में 33 x 5 165 मार्क्स टोटल, प्लस ये मैथ्स से अगर मैं 35 ऐड कर दूं तो 200 नंबर के पेपर हो जाएंगे। 33 x 5 165 प्लस 35 मैंने ऐड किया, 200 मार्क्स के आपके पेपर हो गए, समझ गए? तो इस एग्जाम पैटर्न पे आपका स्टेज सेकंड का एग्जाम होगा डीडीए पटवारी का,
फिक्स पैटर्न है, इसी पे एग्जाम होगा, ठीक, एकदम श्योर एंड शॉर्ट बात है, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, याद रखना बहुत ही, जैसे आप लोग बोल रहे थे ना सर डीडीए, जैसे में समय नहीं मिला बस तुरंत डेट दे दिए, उसी तरह ही स्टेज सेकंड का एग्जाम होगा, गारंटीड है, लिख के ले लो, अगर इतना हुआ तो बोलना, बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, मुश्किल से अभी आज कुछ ही दिन में डेट आ जाएगी, 20 से 25 दिन का आपको समय मिलेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20-25 डेज या 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, गारंटीड है यार, ठीक है, शॉर्ट नोटिस पे आपका आएगा, ठीक। जीए के लिए अब प्री का एग्जाम सबने दिया है भाई, जो जो मेंस के लिए क्वालिफाई करेगा, ठीक है, और वैसे एग्जाम पैटर्न तो आपको पता ही है, नॉर्मलाइजेशन का बहुत खेल हुआ है, अब डिपेंड करता है कि अब ये पता चलेगा कि एग्जाम स्टेट सेकेंड एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर एक शिफ्ट से ज्यादा एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन होना तय है, डेफिनेटली होगा नॉर्मलाइजेशन, अब ये आजकल में मैं बता दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ जो कि मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, और अगर एक से ज्यादा शिफ्ट या एक से ज्यादा दिन पे एग्जाम हुआ तो मैक्सिमम चांसेस है कि नॉर्मलाइजेशन हो, ठीक है, तो उस चीज के लिए तैयार रहना, क्योंकि अगर हमने अगर जी जैसे का आप लोग पेपर दे वो क्या बोलता हूँ, हाँ जैसे का जो आपने देखा होगा, ठीक है, रिजल्ट जो भी आया था उसमें तो मतलब नॉर्मलाइजेशन का तो ऐसा खेल हुआ है, ठीक है, कि क्या बताया जाए, नॉर्मलाइजेशन का गजब का खेल हुआ है, तो बस आपका प्री का एग्जाम का रिजल्ट आएगा पटवारी का, ठीक, और जस्ट उसके बाद आपका उसी के साथ आएगा नोटिस कि आपका इस दिन एग्जाम है, जस्ट 1-2 दिन के आसपास, क्योंकि बस आंसर देंगे आपका 1-2 दिन वो लगाएंगे, अगर किसी को कुछ इशू इशू है ऐसा कुछ समथिंग समथिंग, ठीक है, जो जैसे के टाइम हुआ था, विद इन 1 वीक आपका एग्जाम डेट आ जाएगा, और 1 वीक जहां रिजल्ट के 1 वीक उसका 20 दिन ज्यादा आफ्टर 20 डेज आपका एग्जाम डेट करा देंगे वो 25 डेज पे, ये एकदम डेफिनेटली फिक्स बात है, मान चलो कि आपका एग्जाम जन्म में हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ फैब में तो ये और अच्छी बात है कि आपको पढ़ने का समय मिल जाएगा, ठीक है, तो अपने आप को तैयार आज से करना शुरू कर दो जिसको ये लग रहा है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, समझ गया बात, मेरी तबीयत काफी खराब चल रही 2-3 दिन से, बहुत ज्यादा दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं, आपको जीए में 33 समय बता दिया, करंट अफेयर से फोकस कर लेना बहुत अच्छे से, आप सब लोग कर लोगे, आपको पता है पैटर्न, आपको ही पता है कि ये पूरा एसएससी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे इसके, पूरे के पूरे एसएससी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे इसके, और मैं बहुत जल्दी आप लोग कुछ बहुत नया इनिशिएटिव लाने जा रहा हूँ, मैं सोचा तो था कि बस लॉन्च कर दूँ, फिर मैं सोचा कि नए साल पे लॉन्च करते हैं यार, है ना, उस चीज को बहुत लोगों ने YouTube पे लॉन्च किया है बेसिकली, लेकिन इतनी जल्दी जितनी जल्दी मैं कर रहा हूँ शायद ही किसी ने किया हो, ठीक है, बहुत जल्दी वो नए साल पे आप लोगों के लिए सरप्राइज है, और वो गारंटीड आपके सिलेक्शन में बहुत मदद करने वाला है, बहुत जल्दी मदद करने वाला है, ये दीजिए पटवारी, और मुझको उसमें कुछ लोगों की जरूरत भी पड़ेगी, मैं बेसिकली हो सकता है कि मैं अनाउंस भी करूँ, मुझे रिक्वायरमेंट, हालांकि बस 2-3 लोग हो चुके हैं, ठीक है, आपकी भी जरूरत, अगर किसी अगर मुझे पड़ी तो मैं अनाउंस करूंगा, और कोई उसके लिए इंटरेस्टेड होगा तो बताना, पहले बताऊंगा कि किस चीज़ के लिए नीड पड़ेगी, ठीक है, अभी 2-3 लोग का मैं अपॉइंट कर चुका हूँ उस चीज़ के लिए, चलो बशर्ते, ठीक है, बहुत बड़ी न्यूज़ है वो, नए साल पे उसको लॉन्च करेंगे, ठीक है, चलो ये हो गया जीए, मैथ्स पूरा एसएससी पैटर्न है, सब कुछ है, पेपर आपने देखा ही था प्री का, सब उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, 200 नंबर का पेपर होना है, टारगेट अपना 160+ ही रखना, टारगेट बता रहा हूँ सेफ, इसको देखो कट ऑफ तो मैं बता नहीं सकता, और ना बिना एग्जाम हुए,
बिना एग्जाम हुए तो बिल्कुल निमटा सकता है। हाँ, लेकिन आपको रैंक लाना है, और एक सबसे बात तो पटवारी में सीट भी बहुत कम है, तो पटवारी की सीट बहुत ही कम है ना। आई थिंक 40 या 50 के अप्रॉक्स है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कि 44 के समथिंग था। ठीक है, तो 160-170 प्लस अपन आपका स्कोर हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके बाद फिर क्या होगा, बस स्टेज टू देन डीवी, फिर आपका सिलेक्शन, फिर आप लोग मुझे मिठाई खिलाओगे। ठीक है, तो बस मैं बता रहा हूँ 160-170 प्लस आप स्कोर का अभी प्रैक्टिस करो, है ना, कि आपके स्कोर आए और एकदम धुआंधार मचा दो। ठीक है, मेरे से अभी जितना मदद हो सकेगा इसके लिए, स्टेज सेकंड के लिए मैं सब करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है आप लोग को। बेसिकली यार रीजनिंग मैथ तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है, और कंप्यूटर भी आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बस आपको मेहनत किस पे करना है। इंग्लिश भी कर ही लोगे एसएससी पैटर्न में, मेहनत किस पे करना है, थोड़ा सा जीए पे करना है, थोड़ा सा हिंदी पढ़ लेना, और क्या भाई यार, ये तीन ये चार तो आप लोग लगभग एग्जाम के लिए पढ़ते हो, और जिन्होंने जेएसए के लिए अभी एग्जाम दिया होगा, आपने कंप्यूटर भी पढ़ा ही होगा, तो उसका कोई इश्यू है नहीं। ठीक है, तो हिंदी और जी आपको पढ़ना है, थोड़ा बहुत इस पे मेहनत कर लो, और क्या, कोशिश करो कि हिंदी में 33 में 30+30 के अप्रोक्स मार्क्स आ जाए। अगर 30 कर हिंदी में यहाँ पे आ गए, तब तो फिर मजा ही मजा है, एकदम तबाही मचा दोगे। ठीक है, इसमें 20 का टारगेट रख लो, इसमें 30+30+30+28+30+ हो जाएगा नंबर यार, हो तो गया, कर लो 30+30+ हो गया नंबर तुम्हारा, 180 के ऊपर चले गए तुम, समझे। और अपने पे भरोसा रखो, ये अचीवेबल है। ठीक है, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, सब लाते हैं मार्क्स, आप भी लायो। जैसे में लोगों के नंबर 120 में कितने कितने 100+ तक गए, नॉर्मलाइजेशन का खेल हुआ है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के पहले भी कुछ बच्चों के 100+ मार्क्स आए थे, आप ही में से थे, है ना। तो सब अचीवेबल है दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अचीवेबल ना हो, बस खुद पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ और ये मैं करूँगा, बस दिमाग में इस चीज को बैठा लो। ठीक है, और इसकी तैयारी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब पता ही है आप लोग को। मेन ये था कि एग्जाम पैटर्न वो मैंने आपको सामने सामने बता दिया हूँ, इसी एग्जाम पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है। अब और किसी को कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हाँ मैं बता दूंगा। आई थिंक मेरे को नहीं लग रहा कि अब डाउट होगा, एक नॉर्मलाइजेशन का है, अगर एक शिफ्ट से ज्यादा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है ये, आई थिंक कितना था नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में, 0.3 था या 0.25 था, वो देख लेना। ठीक है, अब एग्जैक्टली मुझे देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन में क्या था, नेगेटिव मार्किंग तो होगा, अब मैं देख लूंगा कि 0.3 या 0.25 था समथिंग, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं था, या तो 0.3 होगा या 0.25 होगा। ठीक है, अब इतना याद नहीं है तो ये चीज़ है, क्योंकि इस समय बहुत काम है जो चीज़ आप लोग के लिए करना है। ठीक है, उसमें बहुत काम लग रहा है, तो और 2 दिन से हालत भी मेरी बहुत गंभीर है। ठीक है, बस यही चीज़ था, इतना आप लोग बताना था, बस खुश रहो, मस्त रहो, राधे राधे, जय हिंद, और शुरू कर दो एकदम। ठीक है, रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। अब हाँ, ये चीज़ था, रिजल्ट कब तक है पटवारी का, इस मंथ, ये साल ख़त्म होते होते कभी भी आ सकता है रिजल्ट, कभी भी आ सकता है रिजल्ट, हो सकता है कि इसी वीक में ही आ जाए, जो भी वीक चल रहा है, आज आई थिंक मंडे, तो इस वीक लास्ट तक कभी भी आ सकता है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, देखो क्या होता है, होप फॉर बेस्ट। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, राधे राधे, जय हिंद।